गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी वसुंधरा पार्ट 11 स्वामी रामकृष्ण परमहंस इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लगभग 2 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल में घमार पुकुर नामक गांव था। ठीक है, पश्चिम बंगाल में एक कौन सा गांव था? घमार पुकुर नामक गांव था। यह गांव अत्यधिक सुंदर और रमणीय था। गांव कैसा था बेटा? अत्यधिक सुंदर था और क्या था? रमणीय था। मतलब रमणीय मतलब होता है बहुत ज्यादा आकर्षक था, देख के बहुत ज्यादा मन को शांति मिलती थी। ठीक है, तो रमणीय था। जगन्नाथपुरी की पैदल यात्रा करने वाले यात्री इसी गांव से होकर जाया करते थे। ठीक है, जगन्नाथ एक तीर्थ स्थल है। जो जगन्नाथ जाते थे वो कहाँ से होकर जाते थे? वो इस घमारपुकुर नामक गांव से ही जाते थे, इसी गांव से होकर जाया करते थे। इसी गांव में एक परिवार रहता था। इस परिवार में कुल 4 प्राणी थे। ठीक है, इस गांव में एक परिवार रहता था और उस परिवार में कितने सदस्य थे? उस परिवार में कुल 4 प्राणी थे। कितने थे बेटा? 4 प्राणी। पहला कौन था? शुद्धिराम। दूसरा चंद्रा देवी। तीसरा रामकुमार और चौथा कुमारी कात्यायनी। चंद्रा देवी शुद्धिराम की धर्म पत्नी थी। चंद्रा देवी कौन थी? शुद्धिराम की पत्नी थी। रामकुमार और कात्यायनी उनके पुत्र और पुत्री थे। ठीक है, रामकुमारी और कात्यायनी क्या थे? उनके पुत्र और पुत्री थे। शुद्धिराम और चंद्रा देवी बड़े धार्मिक विचारों के थे। जो आपके ये शुद्धिराम और चंद्रा देवी देवी जो थी, ये कौन थे? पति पत्नी थे। ठीक है, उनके आगे जो 2 बच्चे थे वो कौन थे? कात्यायनी और रामकुमार। ये बहुत ही जो शुद्धिराम और चंद्रा देवी थे ये बड़े धार्मिक विचार के लोग थे। ठीक है, धार्मिक विचार थे इनके। एक बार शुद्धिराम ने स्वप्न में भगवान राम को बाल रूप में देखा। शुद्धिराम ने क्या किया? क्या देखा? भगवान राम को बाल रूप में देखा, यानी छोटे जो बालपन जो रूप होता है उसमें देखा, बालक रूप में देखा। उन दिनों शुद्धिराम की धर्मपत्नी चंद्रा देवी गर्भवती थी। उन दिनों जो शुद्धिराम की जो पत्नी थी, धर्मपत्नी चंद्रा देवी, वो क्या थी? गर्भवती थी, यानी उनके वो गर्भ से थी, वो मां बनने वाली थी। समय व्यतीत हुआ और 17 फरवरी सन 1836, ठीक है, 1836 ईस्वी को प्रातःकाल के समय उन्होंने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। ठीक है, उन्होंने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। यह बालक आगे चलकर स्वामी रामकृष्ण परमहंस के नाम से विख्यात हुआ। ये जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस है, इनका जन्म कब हुआ था? सन 1836 ईस्वी में। ठीक है, 1836 ईस्वी में इनका क्या होता है बेटा? जन्म हुआ था और इन्हीं को स्वामी रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाना जाता था, विख्यात हुआ इनका नाम। बचपन में सभी इस बालक को गदाधर के नाम से पुकारते थे। इनका बचपन का नाम क्या था बेटा? गदाधर। बचपन में इनको क्या बोला जाता था? गदाधर। बचपन का नाम इनका गदाधर था। ठीक है, बचपन गदाधर के नाम से ही इनको जाना जाता था और इनको इस बालक को गदाधर के नाम से ही पुकारते थे। सभी लोग इसको किन के नाम से पुकारते थे? कौन से नाम से? गदाधर के नाम से पुकारते थे। बालक गदाधर ने बाल्यावस्था में ही पुराणों की सारी कथाएं सुन सुनकर कंठस्थ कर ली थी। जब वो छोटे थे, बालक थे, तभी उन्होंने छोटी उम्र में ही पुराणों की सारी कथाएं, जो पुराण है हमारे, उनकी सारी कथाएं सुन सुनकर कंठस्थ, यानी उनको रट गई थी, पूरी तरीके से उनको याद हो गई थी वो कहानियां। ठीक है, गदाधर बड़े निर्भीक थे। निर्भीक मतलब उनको किसी भी बात का भय नहीं था, किसी भी प्रकार का उनको डर नहीं लगता था। किसी भी निर्भीक थे, कभी किसी बात से वह भयभीत नहीं होते थे। गदाधर के शरीर में एक ऐसी दिव्य शक्ति धीरे धीरे विकसित हो रही थी जिससे सभी उनकी ओर आकर्षित हो जाते थे। धीरे धीरे उनके शरीर में एक दिव्य शक्ति जो है वो क्या हो रही थी? विकसित हो रही थी, जिसे देखकर सभी लोग क्या हो रहे थे? उनकी ओर आकर्षित होते जा रहे थे। सभी उनसे प्रेम करने लगे थे। सभी उनसे क्या करने लगे थे बेटा? प्रेम करने लगे थे। एक बार श्वेत बादलों से घिरे आकाश में गदाधर ने सफेद हंसों की पंक्ति उड़ते हुए देखा। बादलों में आसमान में उसने सफेद बादल में क्या देखा? सफेद हंस जो होते हैं उनको उड़ते, उनकी एक पंक्ति
में, तो वे आत्मविभोर हो गए, हो उठे। साधु संतों की संगति उन्हें अच्छी लगती थी। साधु संतों के साथ ही वो रहना ज्यादा पसंद करते थे। उनकी सेवा करने में उन्हें बहुत आनंद आता था। साधु संतों की जो सेवा, उनको सेवा करने में क्या आता था बेटा, बहुत ज्यादा उनको खुशी होती थी, उन्हें आनंद आता था। धार्मिक पर्वों पर गदाधर रंगमंच पर देवी देवताओं का स्वांग भरकर बहुत प्रसन्न होते थे। ठीक है, जो धार्मिक पर्व होते थे, धार्मिक पर्वों पर गदाधर रंगमंच पर जो धार्मिक पर्व होते थे, उसमें वो क्या करते थे, देवी देवताओं का जो है वो हम बोल सकते नाटक जो होता है ना, देवी देवता बनकर उनका रंगमंच में क्या करते थे, स्वांग करते थे, स्वांग भरकर बहुत प्रसन्न होते थे। अक्सर धार्मिक भजन पद सुनाते सुनाते इतने अधिक भाव विभोर हो जाते थे, उन्हें भाव समाधि लग जाती थी। मतलब कि वो जब भी भजन गाते थे, पद गाते थे, तो वो उसमें इतने खो जाते थे और ऐसा लगता जैसे उन्होंने समाधि भाव समाधि लग जाती थी उन्हें। ठीक है, वे एकाएक चुप हो जाते और उनकी आंखों में अश्रु धारा प्रवाहित होने लगती, और अचानक से वो क्या हो जाते थे, चुप हो जाते थे और उनकी आंखों से क्या निकलने लगते थे, आंसू निकलने लगते थे। आंसुओं की धारा जो है वो उनकी आंखों से निकलने लगती थी। यह भाव समाधि में प्राय काफी देर तक लगाया करते थे, और ये भाव समाधि को काफी देर तक लगाया करते थे। बाद में वे अपने बड़े भाई के पास कलकत्ता आकर रहने लगे, और बाद में वो अपने बड़े भाई के पास वहां रहने लगे, कलकत्ता जाकर वो रहने लगे। पढ़ने लिखने में उनका मन नहीं लगता था, पढ़ने लिखने में स्वामी परमहंस जो थे, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, इनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था। उन्होंने अपने भाई से कह दिया था कि दाल रोटी कमाने वाली विद्या उन्हें नहीं चाहिए। उन्होंने अपने भाई से कह दिया था कि दाल रोटी कमाने वाली विद्या जो है मुझे नहीं चाहिए, जिससे मैं पैसा कम दाल रोटी खरीद सकूं, मुझे ऐसी विद्या नहीं चाहिए। उनकी बात सुनकर उनके बड़े भाई स्तब्ध रह गए, यानी हैरान रह गए, क्योंकि पूजा पाठ से वैसे भी ज्यादा आमदनी नहीं होती थी, क्योंकि पूजा पाठ से कोई ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे, ज्यादा कमाई नहीं होती थी। और उन्होंने साफ कह दिया था कि मेरे को दाल रोटी कमाने वाली विद्या जो है वो नहीं चाहिए। उन दिनों कलकत्ता की जान बाजार में रासमणी नामक की एक, ठीक है, उन दिनों कलकत्ता यानी कोलकाता की जान बाजार में एक रासमणी नाम की एक युवती, एक विख्यात महिला रहा करती थी। ठीक है, एक विख्यात महिला रहा करती थी, उन्हें लोग रानी कहकर पुकारा करते थे। उन्हें लोग क्या कहकर पुकारते थे, रानी कहकर पुकारते थे। वे शूद्र वंश की धीमर जाति से संबंधित थी। शूद्र जाति जो होती है वो एक नीची जाति होती है, निम्न जाति होती है, वो शूद्र वंश की धीमर जाति से संबंधित थी। उनके पति उनके पास अतुल संपत्ति छोड़ गए थे, बहुत ज्यादा संपत्ति उनके पति जो है उनके पास छोड़ गए थे। उन्होंने कलकत्ता यानी कोलकाता के दक्षिणेश्वर गांव के निकट भागीरथी तट पर महाकाली का एक विशाल मंदिर बनवाया। उन्होंने भागीरथी तट पर क्या किया, एक विशाल महाकाली का क्या बनवाया बेटा, मंदिर बनवाया। पर शुद्र कुल की होने पर वहां कोई ब्राह्मण पूजा अर्चना के लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन वो शुद्र जाति की थी, निम्न जाति की थी, इसलिए कोई भी ब्राह्मण जो है या पंडित उस मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करने को तैयार नहीं हुआ। तब अपने एक हितैषी के कहने पर, तब उनके जो स्वामी परमहंस जो है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, उनके हितैषी के कहने पर गदाधर उस मंदिर के पुजारी बन गए। गदाधर जिस मंदिर में कोई पंडित जाने को तैयार नहीं होता था, उसका पुजारी बनने के लिए कौन राजी हो गए, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो है वो क्या हो गए, तैयार हो गए। यह मंदिर भागीरथी के निर्जन तट पर स्थित था। ठीक है, भागीरथी के कौन से तट पर, निर्जन तट पर स्थित था। गदाधर का मन शीघ्र ही इस मंदिर की देवी माँ काली में रम गया, और उनका जो मन था, रामकृष्ण परमहंस थे, इनका मन जो है माँ काली में रम गया था, क्योंकि वहाँ बहुत शांति थी, वहाँ पे निर्जन जगह थी, जहाँ पे लोगों को ज्यादा आना जाना नहीं होता था, वहाँ लोग नहीं बसते थे। ठीक है, तो उनका जो मन है वो देवी जो काली माँ थी उनमें रम गया था। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा शांति थी। धीरे धीरे गदाधर स्वामी रामकृष्ण परमहंस के नाम से प्रसिद्ध हो गए। पहले उनका नाम क्या था, गदाधर था बचपन में, लेकिन धीरे धीरे वो जब पंडित बन गए वहां के, तो उनको किस नाम से जाना जाने लगा, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के नाम से वो प्रसिद्ध हो गए। दूर दूर से लोग उनके दर्शनों के लिए आने लगे, दूर दूर से लोग जो है उनके दर्शन करने के लिए
आने लगे। उन्हीं लोगों में से एक दिन नरेंद्र नाम का एक युवक भी वहां आया और उन्हीं में से जो लोग उनको देखने आते थे, उनके दर्शन करने आते थे, तभी एक और युवक आया जिसका नाम क्या था बेटा, नरेंद्र। नरेंद्र नाम का एक युवा भी वहां आया। वह स्वामी रामकृष्ण के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुआ। रामकृष्ण परमहंस के जो व्यक्तित्व था उसको देखकर वो बहुत ज्यादा उस पे प्रभाव पड़ता है, बहुत ज्यादा प्रभावित होता है उनको देखकर वो, और उनका शिष्य बन गया। नरेंद्र जो युवा आया था, युवक आया था, वो क्या हो गया, रामकृष्ण परमहंस का एक शिष्य बन गया उनसे प्रभावित होकर। यह नरेंद्र बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ और यही बालक जो है बड़ा होकर किस नाम से विख्यात हुआ, किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और इसने स्वामी जी के उपदेशों को पूरी दुनिया में पहुंचाया। और विवेकानंद ने क्या किया, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के जो विचार थे उसको पूरी दुनिया तक पहुंचाया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, मैं जिधर भी दृष्टि डालता हूँ उधर ही हिंदू मुसलमान ब्राह्मण वैष्णव व अन्य सभी जातियां धर्म संप्रदाय के नाम पर लड़ती रहती हैं। जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे वो कहते थे, मैं जहां भी दृष्टि डालता हूँ, मैं जहां भी देखता हूँ, तो वहां पर मेरे को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो है आपस में क्या दिखते हैं, लड़ते हुए संप्रदाय धर्म के नाम पर क्या होता है, हमेशा लड़ते हुए ही नजर आते हैं। वे नहीं जानते कि कृष्ण ही शिव है, वही आद्य शक्ति महाकाली है, वही ईशा है, वही अल्लाह है, वही राम है और वही सहस्त्र नाम है और उसके सहस्त्रों नाम है। तो स्वामी विवेकानंद जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे वो लोगों को बोल बताना चाहते थे कि जो भगवान है वो अलग अलग नहीं है, एक ही भगवान है। वही जो है हिंदुओं के भगवान भी वही है, वही कृष्ण है, वही राम है, वही अल्लाह है, वही ईसा है, ठीक है। सभी जो हमारे भगवान है वो क्या है, केवल एक भगवान है, जिनके जो जिनके नाम सहस्त्र है, उनके हजारों नाम है, करोड़ों नाम है, ठीक है। 15 अगस्त सन 1886 ईस्वी दिन रविवार को रामकृष्ण परमहंस ने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया, ठीक है। इनकी जो मृत्यु, उन्होंने अपना शरीर कब त्यागा, कब इनकी मृत्यु हुई, 1886 में इनकी मृत्यु कब हुई थी बेटा, इनकी मृत्यु हुई थी 1886 ईस्वी में, ठीक है, रविवार का दिन था। स्वामी इस संसार को छोड़कर चले गए परंतु उनकी स्मृति यानी उनकी यादें स्मृति में कोलकाता में श्री रामकृष्ण मिशन और माँ काली का भव्य मंदिर आज भी स्थित है, ठीक है। उनका जो मंदिर है वो आज भी स्थित है। वे कहा करते थे, परमात्मा तर्क शक्ति से परे है, जो हमारी तर्क शक्ति है, जो बहस करने की जो शक्ति है उससे क्या है, परे है, उसे भक्ति भाव से ही पाया जा सकता है। हम बहस करें, तर्क करें, उससे हम भगवान को नहीं पा सकते, बल्कि हम भक्ति से भावना से क्या कर सकते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, इस पार्ट को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, इसके अच्छे से रीडिंग करेंगे और इसके शब्दार्थ अपनी कॉपी में करेंगे। पार्ट 11 पढ़ें। ओके, थैंक यू ऑल।